दोस्तों को सुनो। जेडे भुट्टो एंड वाइट एलिफेंट हमारा मौजू है। हम बात करते हैं जुल्फकार अली भुट्टो सर शाहनवाज भुट्टो के बेटे थे। लाड़काना के पास एक गांव था गड़ी खुदा बख्श। ये भुट्टो खानदान का आबाई शहर था। जुल्फकार अली भुट्टो यहाँ पैदा हुए 1928 में। जेडे भुट्टो ने इब्तदाई तालीम बम्बे से हासिल की और फिर आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए। जेडे भुट्टो ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की 1950 में। 1951 में जेडे भुट्टो ने नुसरत भुट्टो से शादी की। जेडे भुट्टो 1953 में पाकिस्तान वापस आ गए और उन्होंने कराची के में लॉ की प्रैक्टिस शुरू की सिंध लॉ कॉलेज में। लेक्चरर मुंतखब हो गए और वहाँ पढ़ाते रहे। सॉरी 1956 में जेडे भुट्टो सिकंदर मिर्ज़ा की कैबिनेट में शामिल हुए। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के सदर बन चुके थे। उन्होंने 1956 का आईन मनसूख कर दिया था और वो खुद सदर के ओहदे पर फैज हो गए थे। जेडे भुट्टो मिर्ज़ा की काबीना में शामिल थे, मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे। 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगा दिया। पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में मिर्ज़ा ने लगाया था और सदर अयूब को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। अक्टूबर में ही अयूब खान ने जो CNC थे सिकंदर मिर्ज़ा से इस्तीफ़ा ले लिया और ख़ुद पाकिस्तान के सदर बन गए। अयूब खान एक कॉम्प्रेस लीडर थे, नेशनलिस्ट लीडर थे। जेडे भुट्टो अयूब खान की काबीना में शामिल हो गए और मुख्तलिफ वजारतों पर काम किया। जेडे भुट्टो और अयूब खान में सियासी हम आहंगी थी। दोनों लीडर पाकिस्तान को आज़ाद कौम रियासत बनाना चाहते थे।
अमेरिका की अजारादारी से निकलना चाहते थे, इसलिए यूब खां और जैडे भुट्टो चाइना और रूस से बेहतर तल्लुकात बनाने में एक दूसरे के साथ हम आहंगी रखते थे। 1963 से 66 तक जैडे भुट्टो पाकिस्तान के वजीर खारजा रहे। इस दौर में जुल्फकार अली भुट्टो ने चाइना और रूस के साथ तल्लुकात बेहतर बनाए और ये पाकिस्तान की कौमी आज़ादी का एक एजेंडा था जो अमेरिकियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सनती मईशत तबाह कर दी गई। 1966 में जैडे भुट्टो और अयूब खान ताशकंद चले गए। भारत के साथ एक मुआहदा हुआ जिसके नतीजे में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ा ख़त्म हुआ। ये बात अमेरिका को पसंद ना थी, अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात में मास्को कोई किरदार अदा करे, इसलिए अमेरिका ने ताशकंद मुआहदे को पसंद नहीं किया। जैडे भुट्टो और अयूब खां में इख्तलाफ पैदा हो गया। कश्मीर के मसले पर जैडे भुट्टो ने सख्त मौकफ इख्तियार किया, जबकि अयूब खां ने मामला हल करने के लिए कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड इलाका तस्लीम कर लिया। इस पर हम जानते हैं जैडे भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन में तकरीर करते हुए कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ हज़ार साल जंग लड़ने को तैयार है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानते थे और इस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। जैडे भुट्टो ने अयूब खां से अलहदगी इख्तियार कर ली और अपनी पार्टी बना ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जैडे भुट्टो ने लाहौर में बनाई 1967 में। इसके मंशूर में चार अहम बातें मौजूद थी जो कौमी आज़ादी की बुनियाद थी। जैडे भुट्टो ने कहा, इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, जमहूरियत हमारी सियासत है, अवाम ताकत का सरचश्मा है। ये कौमी मंशूर था, कौमी आज़ादी का मंशूर था और ये मंशूर पाकिस्तान को एक आज़ाद कौमी रियासत बनाने के लिए तैयार किया गया। जैडे भुट्टो कौम परस्त लीडर थे और पाकिस्तान को एक आज़ाद कौमी रियासत देखना चाहते थे। पाकिस्तान के अवाम ने
भुट्टो को वोट दिया सोशलिज्म के नाम पर। जो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के आवाम ने पाकिस्तान में सोशलिज्म के हक में फैसला दे दिया था। जैडे भुट्टो का सियासी मॉडल पार्लिमानी था, अयूब खान का सियासी मॉडल चाइना मॉडल था। इसके बावजूद भुट्टो एक कौम परस्त लीडर थे। उन्होंने पाकिस्तान में सनद को नेशनलाइज किया। नेशनलाइजेशन एजेंडा था जुल्फकार अली भुट्टो का। उन्होंने कौमी सनद कौमी तहवील में ली। इसी तरह तालीम और सेहत को भी नेशनलाइज किया जुल्फकार अली भुट्टो ने। ज़राई इस्लाहात भी की जो के नाकाम रही। असल में भुट्टो का सियासी एजेंडा कामयाब ना हो सका। पाकिस्तान में ना तो जमहूरियत आई, ना सोशलिज्म आया और ना ही आवाम ताकत का सरचश्मा बन पाए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने मंशूर पर अमल करने में नाकाम रहा। उसकी वजूहात जैडे भुट्टो का ख़ानदान खुद एक बड़ा जागीरदार ख़ानदान था, इसलिए उन्होंने जो ज़राई इस्लाहात की वो नाकाम हुई और सनद को कौमी तहवील में लेने के बाद पाकिस्तान की सनती तरक्की रुक गई और कोई मुल्क जमहूरी मुल्क नहीं बन सकता जब तक सनती इनकलाब नहीं आता। ये बात हकीकत है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन ने पाकिस्तान की सनती तरक्की में रुकावट पैदा की। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जैडे भुट्टो ने कौमी तहवील में ली गई सनत पर ब्यूरोक्रेसी को बिठा दिया। अब ब्यूरोक्रेसी तो बाबू लोग थे, उनको सनत की तरक्की में तो कोई उनको दिलचस्पी नहीं थी। इसी तरह से सनत में एक करप्शन का निज़ाम आ गया, लेबर यूनियन भी करप्शन का शिकार हो गई और पाकिस्तान की सनती तरक्की रुक गई। ज़राई इस्लाहात ना हो सके। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1977 में इलेक्शन करवाया और इस इलेक्शन में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने ही मंशूर से इन्हराफ किया। उनका कहना था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, मगर अब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी में ताकत का सर चश्मा सरदार थे, जागीरदार थे, अवाम नहीं थे। सनदकारी रुक चुकी थी, रुकावट पैदा हो चुकी थी और सरमायादार तबका भुट्टो का मुखालफ था। सबसे बड़ा मुखालफ भुट्टो का
अमेरिका था, वो पाकिस्तान की कौमी आज़ादी को कबूल करने पर तैयार नहीं था। एक बात याद रखने की है कि इंडिया और अमेरिका के एजेंडा में पाकिस्तान का वजूद मौजूद नहीं है। 1971 में हम ये तजर्बा कर चुके और फिर जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को कौमी आज़ादी की तरफ बढ़ाने की कोशिश की तो 9 सितारे आ गए अमेरिका के आसमान पर, 9 सितारे चमके और उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक शुरू की, जिसका नतीजे में ज़ियाउल हक का माशाल्लाह आ गया। 4 अप्रैल 1977 जनरल ज़िया ने माशाल्लाह लगा दिया। इससे पहले ज़ेड ए भुट्टो ने अपनी तकरीर में कहा था कि उसके पीछे वाइट एलिफेंट है। वाइट एलिफेंट उसके पीछे लगा है और वो वाइट एलिफेंट कौन था? अमेरिका था। और अमेरिका ज़ेड ए भुट्टो को अलहदा करना चाहता था इक्तदार से, तो इक्तदार से अलहदा करने के बाद अमेरिका ने ज़ेड ए भुट्टो को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। ये जानते हैं पाकिस्तान में लिखने पढ़ने वाले लोग, सोचने वाले लोग, भुट्टो को ख़ानदान भी जानता है कि वाइट एलिफेंट था जिसने भुट्टो को मारा था, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेते। उन्होंने सबक हासिल किया और जान लिया कि अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब करना मुनाफे का काम नहीं है। इसलिए पीपल्स पार्टी अब यकीन नहीं रखती अवाम की ताकत पर, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिया पर, सोशलिज़म पर बिल्कुल भी। उसका एजेंडा ये नहीं है। वो भुट्टो के नाम पर वोट तो लेते हैं लेकिन उनमें ताकत का सर चश्मा अवाम नहीं, जागीरदार तबका है, माफिया है, मौलाना फजल-उर-रहमान है और पाकिस्तान का जाती उम्रा है। अवाम की ताकत पीपल्स पार्टी का मंशूर नहीं है। वो वोट लेते हैं भुट्टो के नाम पर और वो जानते हैं कि अमेरिका से तल्लुकात ख़राब करना ठीक नहीं है। इसलिए पीपल्स पार्टी ने अपनी जायदादें लंदन और अमेरिका में बनाई हैं और वो पाकिस्तान की कौमी आज़ादी के साथ कोई दिलचस्पी नहीं रखते। याद रखिए, इंडिया और अमेरिका के एजेंडा में पाकिस्तान नहीं है। 100 साल 50 साल कभी भी वो पाकिस्तान को तोड़ेंगे और पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, पाकिस्तान पर अंदर से
हमला है। शुक्रिया।